हेलो फ्रेंड्स, नवदिशा नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि हम विंडो 7 के अंदर पेंटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करें, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हम तीन मेथड से ओपन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड आता है लॉन्ग मेथड, दूसरा आता है सर्च मेथड और तीसरा आता है रन कमांड मेथड। ये तीनों मेथड मैं आपको विंडोज 7 में बताने वाली हूँ। बेसिकली ये तीनों मेथड हर विंडो में ऑपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लुक वाइज इसकी कमांड चेंज हो जाती है, बट ऑप्शंस वही रहते हैं। हो सकता है विंडो 10 में आपको कुछ और लुक मिले, विंडो 7 में आपको कुछ और लुक मिले, विंडो 8 में आपको थोड़ा सा चेंज मिले, लेकिन बेसिकली ऑप्शंस वही होते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को करते हैं रिफ्रेश। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सिस्टम को या अपने पीसी को रिफ़्रेश क्यों करते हैं। इससे हमारा सिस्टम फ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेशिंग कमांड भी मैंने आपको बताई थी, जो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करिए, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी आप रिफ्रेश पर जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए, इससे आपकी पीसी रिफ़्रेश हो जाएगी। रिफ़्रेश करने से क्या होता है, हमारी पीसी हैंग नहीं होती है। ये हमने कर दिया रिफ्रेश, और अब हम स्टार्ट करते हैं एमएस पेंट को ओपन करना। तो हम यूज़ करने वाले हैं पहला मेथड, जिसे हम लॉन्ग मेथड के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जाना है स्टार्ट पर। स्टार्ट बार से आप सभी को पता होगा कि प्रोग्राम में फाइल्स की ओपनिंग करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टार्ट आइकन नहीं समझ में आ रहा है तो आप माउस से विंडो आइकन यानी स्टार्ट आइकन पर एक बार माउस रखिए, कुछ इस तरीके से आपको स्टार्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर से देखिए, विंडो आइकन पर आपको माउस रखना और वहाँ पर स्टार्ट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसे स्टार्ट बार कहते हैं। यहाँ पर आपको एक बार क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे से देखते हुए जाएँ तो यहाँ पर आपको ऑल प्रोग्राम का एक ऑप्शन मिलेगा। फिर से देखिए, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, एक बार सिस्टम रिफ्रेश कर लेते हैं। फिर से स्टार्ट पर जाएंगे, इसके बाद हमें जाना है ऑल प्रोग्राम पे। रिफ्रेश करते हैं एक बार पीसी को फिर से। ये किया हमने रिफ्रेश, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम। इसके बाद हमें ढूंढना है एसेसरीज फोल्डर, जो कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं। आप इस फंक्शन के बगल में एक स्क्रॉल बार को भी देख सकते हैं, ये होता है अप बटन और इसके जस्ट नीचे होता है डाउन बटन यानी डाउन एरो। ये स्क्रॉल बार है, आप डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके इस स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको एसेसरीज फोल्डर ना मिले तो आप धीरे धीरे स्क्रॉल बार को नीचे करके भी देख सकते हैं। ये रहा एसेसरीज फोल्डर, इस पर एक बार क्लिक करिए और इसी फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा पेंट फंक्शन। तो ये रहा हमारा पेंट, इस पर हमें एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। तो ये था पहली विधि से पेंट ओपन करने का तरीका। अब हम यूज़ करने वाले हैं सेकंड मेथड। तो फिलहाल हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं। सेकंड मेथड मैंने बताया था सर्च मेथड। तो विंडो 7 के अंदर फिर से हम स्टार्ट बार पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बार के जस्ट ऊपर आप देखेंगे कि एक डंडी ब्लिंक कर रही है। इस डंडी को हम कर्सर कहते हैं। ये कर्सर जहाँ पर भी ब्लिंक करता है हम वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कुछ लिख सकते हैं वहाँ से, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम कर्सर के नाम से जानते हैं। तो ये टेक्स्ट पैनल है जहाँ पर लिखा हुआ है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, यानी कि यहाँ से हम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं या भी जो भी फाइल हमने बनाई हुई है वो हम यहाँ से सर्च करके ओपन कर सकते हैं। तो सर्च मेथड इसीलिए मैंने आपको बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं पेंट, क्योंकि हमें पेंट ओपन करना है तो हम इसीलिए पेंट लिखेंगे। हमने किया पेंट,
जैसे ही हमने पेंट टाइप किया, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर पेंट लिखा हुआ आ गया, यानी इस प्रोग्राम ने वो सॉफ्टवेयर सर्च कर लिया। अब आप यहाँ पर क्लिक कर कर भी ओपन कर सकते हैं इस ऑप्शन पर, या फिर आप एंटर प्रेस कर कर भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। देखिए एमएस पेंट ओपन हो गया। अब चलते हैं तीसरे मेथड पर, जिसे हम रन कमांड के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, रन कमांड डायरेक्ट विंडो के अंदर लगाई जाती है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट सर्चिंग से, यानी कि शॉर्टकट की द्वारा हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। और यह कमांड हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। यही नहीं, बल्कि मैंने जितने भी तीन मेथड आप लोगों को बताए, लगभग में ऑल प्रोग्राम से आप सभी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ऑल प्रोग्राम फोल्डर में ही हमारे सारे प्रोग्राम एंड फाइल्स लिस्टेड होते हैं, उन्हीं के अंदर लिस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ये तीनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए थर्ड मेथड करते हैं, जिसे रन कमांड के नाम से हम जानते हैं। थर्ड मेथड में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत होगी। तो शॉर्टकट कीज़ कौन सी, हम पहले वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए हम पहले कीबोर्ड ओपन कर लेते हैं, कीबोर्ड का फॉर्मेट ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड नज़र आ रहा है आप लोगों को। इस कीबोर्ड में आपको विंडो की के साथ आर अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है, यानी दोनों एक साथ प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम विंडो की को पहचाने। तो ये है फ्रेंड्स हमारा विंडो की, ठीक है। विंडो की कीबोर्ड में दोनों साइड मिलेगी आपको, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये जस्ट स्पेस बार के दोनों तरफ होती है, और इन दोनों स्पेस बार के दोनों तरफ ऑल्ट बटन भी होता है और विंडो की भी होती है, प्लस कंट्रोल बटन भी होते हैं। तो आप यहां से विंडो की के साथ आर को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना है, और ये शॉर्टकट की है रन कमांड की, ठीक है फ्रेंड्स। किसकी शॉर्टकट की है? रन कमांड की शॉर्टकट ये रन कमांड की शॉर्टकट की है। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे अब अप्लाई करते हैं। मैंने दबाया विंडो की के साथ आर, तो ये एक प्रॉपर्टी खुलकर आई। अब यहाँ पर आपको टाइप करना है एमएस पेंट, यानी कि रन प्रोग्राम ओपन हो गया है, और ओपन ऑप्शन यानी कि रन प्रोग्राम ओपन होने के बाद जो ओपन ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, यानी कि कर्सर जहाँ फिर से ब्लिंक करा है वहाँ पर आपको टाइप करना है एम एस पेंट। ध्यान रहे कि आप इन वर्ड्स के बीच में स्पेस ना दें, यदि आप स्पेस देंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। MS Paint यानी Microsoft Paint को आपको शॉर्ट में लिखना है। MS Paint लिखने के बाद आपको ओके प्रेस करना है, अदरवाइज आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, फिर से आपके सामने MS Paint खुलकर आ जाएगा। तो इन तीन तरीकों से हमने सीखा कि हम अपने पेंट सॉफ्टवेयर को ओपन कैसे करें। फ्रेंड्स, इसमें एक ये जानने वाली बात है कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि पेंट क्या होता है, या एमएस पेंट हम कैसे ओपन करें, या फिर जो सॉफ्टवेयर हमने ओपन किया है वो करेक्ट है या नहीं, या जो हम पढ़ने वाले वही ओपन हुआ है या नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है, यानी कि एक छोटी सी प्रोसेस है, और ये प्रोसेस आप लगभग सभी सॉफ्टवेयर पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका पता हम किसी भी सॉफ्टवेयर के टाइटल बार से लगाते हैं। जैसे कि आज हम पेंट सीख रहे हैं, तो हमने पेंट ओपन किया है या कुछ और ओपन किया है, इसका पता हम टाइटल बार से लगाएंगे। तो टाइटल बार सभी सॉफ्टवेयर के बिल्कुल टॉप पर होता है, जैसे कि यहाँ पर
आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट पट्टी सी आपको नज़र आ रही होगी, समथिंग लाइट ब्लू कलर की। और यहाँ पर इस टाइटल बार पर, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, इस टाइटल बार पर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यहाँ पर पेंट लिखा हुआ है, यानी हर सॉफ्टवेयर का टाइटल टाइटल बार पे लिखा होता है, यानी कि हम बिल्कुल कंफर्म हो गए हैं कि हमने पेंट सॉफ्टवेयर ही ओपन किया है। तो फ्रेंड्स, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि अगर वो जानना चाहें कि उन्होंने करेक्ट सॉफ्टवेयर ओपन किया है या नहीं, तो वो टाइटल बार से इस चीज़ का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा कि हम विंडो 7 के अंदर एमएस पेंट को ओपन कैसे करें, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके से पेंट खोलना सिखाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम जानेंगे कि हम पेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड एमएस पेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे कि पेंट का उपयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तब तक के लिए हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करें, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो से आप अपडेट होते रहें। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और आप भी सीखें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सिखाएं। तब तक के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। गुड बाय।